वेलकम दोस्तों, मेरा वीकली फोरकास्ट का वीडियो में तो इस हफ्ता शायद मैं वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मेरा बहुत सारा काम बाकी है। कुछ काम बाकी है, फॉरेक्स मार्केट में का भी कुछ काम बाकी है। लेकिन कुछ लोग बेयरिश पोजीशन लेके बैठा है और उन लोगों को थोड़ा लॉस में जा रहा है। वो लोग वेट कर रहे हैं कब फिर से बेयरिश मूवमेंट आएगा। और कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। अभी देखिए मार्केट का जो पोजीशन है 0.667, मतलब आप कह सकते हैं 120 डिग्री में ये घूम रहा है। अगर आप ये मैं प्लॉट कर किया हूँ रिसेंटली जो मूव हुआ था 19 अक्टूबर 2021 से लेके 20 जून 2022 का जो फॉल हुआ था उसका जो मूवमेंट हुआ था उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी फंसा है। तो मेरे हिसाब से 0.75, मतलब 17,738 तक 38 तक मार्केट को जाना चाहिए ऊपर में। इसके बाद उसको रिएक्शन देना है एटलीस्ट 0.5 तक, मतलब 16,897 तक। और अभी आने वाला वीक का जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है वो भी यही चीज रेफर कर रहे हैं। और जो ऑप्शन चेन डेटा जो लोग देखते हैं वो लोग भी बोल रहे हैं मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज जाके एक अच्छा बड़ा फॉल देगा। तो आप लोग मेरा प्रेडिक्शन जानते हैं, 14,018 तक मेरा प्रेडिक्शन है। देखते हो फुलफिल होता है कि नहीं। तो चलिए आने वाला वीक के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आने वाले वीक में 4 तारीख को सैटर्न और मार्करी का डिक्लेरेशन मैच हो रहा है, तो इसका इफेक्ट तो मार्केट में नहीं दिखेगा। 6 तारीख को सन और यूरेनस का 60 डिग्री का एक एस्पेक्ट बन रहा है, तो इसके वजह से मार्केट में सर्टेन राइज के साथ एक स्टेडी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 7 तारीख को होली के लिए मार्केट छुट्टी है। 7 तारीख को शाम को 6:15 में आपका डार्क मून हो रहा है, या सॉरी फुल मून हो रहा है। तो अगला दिन उसका इफेक्ट शायद आप लोगों को ना दिखने को मिले, क्योंकि ज्यादातर टाइम देखा गया है कि जो भी पूर्णिमा हो या अमावस्या हो अगर पीछे का दिन हो गया तो अगला दिन उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं दिखता है। 9 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 9 तारीख जैन का पहली बात है प्रेशर डेट है जो बेरिश है, और मून 0 डिग्री क्रॉस कर रहा है। मून का डिक्लेनेशन ठीक है, जीरो मून का डिक्लेनेशन 0 डिग्री क्रॉस कर रहा है सुबह को 7:40 के आसपास, उसके आसपास एक्यूरेट मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा इधर उधर होता है 10-15 मिनट। तो 0 डिग्री डिक्लेनेशन क्रॉस कर रहा है। हमेशा ये याद रखिए मून जब भी डिक्लिनेशन क्रॉस करता है आइदर नाइन टॉप पे पहुंचता है या बॉटम पे पहुंचता है, या 0 डिग्री क्रॉस करता है इक्वेटर, तब एक अच्छा खासा मतलब मूव होता है, या आप कह सकते हैं कि मार्केट में आपका ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, अगर आप बैक टेस्ट भी करें तो आप लोग देख पाएंगे। ये छोटा मोटा स्विंग ट्रेड के लिए, शॉर्ट टर्म का स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो 9 तारीख को थोड़ा अलर्ट रहिए, 10 तारीख कोई इवेंट नहीं है, तो इस हफ्ते नेक्स्ट वीक तो ज्यादा इवेंट नहीं है, फिर भी 9 तारीख इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। और थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्केट नीचे जाएगा आने वाला दिन में। तो चलिए यही तक,
मेरा एक कोर्स चलता है WDGAN का, कैलकुलेशन स्क्वायर ऑफ नाइन, सर्कल चार्ट, ये सब के ऊपर, स्विंग ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इसके ऊपर मैं बताता हूँ। डिक्लेनेशन, प्लानिटरी एस्पेक्ट, और आप ग्रैंड एम्बुलम, या आप कह सकते हैं कि इक्लिप्स के बारे में मैं बताता हूँ, कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं इसको देख के, प्लानिटरी साइकिल या टाइम साइकिल जिसको कहते हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ। मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बेसिक से मैं जितना हो सके मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ। तो लास्ट में मेरा कुछ स्ट्रेटेजी मैं शेयर करता हूँ। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बेसिक से मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ। जो लोग WDGAN के बारे में बेसिक से सीखना चाहते हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, वो लोग मेरा कोर्स के बारे में मतलब इंटरेस्ट हो सकते, सीख सकते हैं। 3-4 महीने लगता है सीखने में, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के सीखना पड़ता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, गुड बाय, गुड नाइट और हैप्पी ट्रेडिंग।